आज हम आगे डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे आर्गन प्लेन के बारे में, डेट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। द प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और द आर्गन प्लेन। हम कह सकते हैं कि ऐसा प्लेन जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, तो इस तरीके के प्लेन को आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है वो बोला जाता है। भी जैसे कि अगर आपको कोई पॉइंट अगर प्लॉट करने होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, तो वो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन बनता है उसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है या एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। इसी तरीके से अगर हम वहाँ पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन बोला जाता है। बात करते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरीके से आर्गन प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करने का काम कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम कर सकते हैं। भाई सपोज करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो पहले हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, ये जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है, डेट मीन्स एक्स और वाई, तो ये दो पॉइंट होंगे। तो एक्स वाई को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, जिस तरीके से आप एक्स वाई की वैल्यू को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं उस तरीके से एक्स वाई को हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। और फिर एक्स वाई जो पॉइंट है हम सपोज कर लेते हैं पी पॉइंट है, और फिर इस पी पॉइंट को हम ओरिजिन से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। हम आपको बता दें इसमें जो ये पी पॉइंट है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। ये जो ओ पी लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को। तो इट मीन्स ये हो गया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उसमें जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस को वो मेंशन करता है। तो ये ओपी जो होगा वो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ आपको और दिखाई दे रही होगी, ये एंगल थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है इसको बोला जाता है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो ओपी लाइन है जो कि ओरिजिन को आपके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को बोला जाता है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, जिसको हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एक्स कोमा वाई एंड द ओरिजिन 0,0। तो ये भी हमने आपको मेंशन भी किया था, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उसके पॉइंट पी एक्स कोमा वाई और ओरिजिन 0,0 के बीच की डिस्टेंस को मेंशन करता है। डैट मीन्स ओ पी इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस ऑफ द आर्गन प्लेन आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली द रियल एक्सिस एंड द इमेजिनरी एक्सिस। अब क्योंकि हम यहाँ पर आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें एक्स एक्सिस को बोला जाएगा रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोला जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। बात करते हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। द एंगल मेड बाई लाइन ओ पी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी हमने पीछे मेंशन भी किया था कि भाई जो लाइन ओ पी है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसे आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए आर जी ब्रैकेट में जेड, एटमीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड से। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी सॉल्व बाय द टैन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगर सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कंडीशन यूज़ करते हैं टैन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, जहाँ पर बी एक इमेजिनरी पार्ट और ए जो है वो रियल पार्ट है। पर ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम आर्गुमेंट को फाइंड आउट करते हैं तो आर्गुमेंट हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करना चाहिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाई करता है, ये इसकी रेस्ट्रिक्शन है। एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाते हैं, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री आई। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे, जैसे आपको तरीका बताया गया टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, तो b के प्लेस पे b की वैल्यू पुट करते थे, डेट मीन्स इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का वाला आइको कोफिशिएंट जो कि है रूट थ्री, और a के प्लेस पे रियल पार्ट जो कि है रूट थ्री। तो टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री अपन रूट थ्री, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वन। अब यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू वन से आप सीधा सोल्यूशन को डिसाइड नहीं करेंगे, यहीं पर डायरेक्टली आप 45 डिग्री को मैंशन नहीं करेंगे, अब ये देखेंगे कि इसमें x a और b की वैल्यूज़ क्या है। अब आप जैसे देख सकते हैं इसमें a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, यानी कि एक तरीके से x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, और ये लाई करते हैं कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका मतलब जो थीटा एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, कि कोई भी एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो उसको हम थीटा से सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर एंगल है तो उसको हम 180 माइनस थीटा से सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर एंगल है तो उसको हम
थ्री प्लस थीटा से सॉल्व करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर एंगल है तो उसको हम 360 मार थीटा से सॉल्व करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो थीटा से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए टैन की वैल्यू 1 होते हैं 45 डिग्री पर, तो थीटा जाएगा 45 डिग्री या पाई बाय 4। एक और एग्जांपल देखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस √3i। तो सॉल्व करने का वही तरीका, टैन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, बी के प्लेस पर √3, ए के प्लेस पर -1 रखेंगे तो टैन थीटा इक्वल टू आएगा -√3। ठीक है, टैन की वैल्यू को यहाँ पर डिसाइड करने से पहले हम इसके क्वाड्रेंट को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल को सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया 180 माइनस अल्फा से, अल्फा इसलिए लिखा क्योंकि थीटा हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, तो इसमें आर्गुमेंट जो होगा वो 180 माइनस अल्फा के इक्वल होगा। अल्फा के प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे कि टेन की वैल्यू √3 कौन से एंगल पर होती है, तो टेन की वैल्यू √3 होते हैं 60 डिग्री पर, तो आएगा 180 माइनस 60, तो यह आ जाएगा 120 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 2π/3। नेक्स्ट आर्गुमेंट ऑफ -1 -√3 आए, हमें -1 -√3 का आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसको सॉल्व करेंगे टैन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए से, बी के प्लेस में -√3, ए के प्लेस में -1, देन टैन थीटा इक्वल टू आ गया +√3। तो यहाँ पर भी वैल्यू को डायरेक्टली मेंशन ना करके पहले चेक कीजिएगा क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ए भी नेगेटिव है बी भी नेगेटिव है, तो हो गए थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल हम सॉल्व करते हैं 180 प्लस अल्फा से, अल्फा इसलिए लिखा गया क्योंकि थीटा उसमें ऑलरेडी गिवन है, तो 180 प्लस, अब क्योंकि टेन के लिए √3 60 डिग्री पर होते हैं, तो 180 प्लस 60 तो आएगा 240 डिग्री। ठीक है, अब लेकिन 240 डिग्री यहाँ पर क्योंकि आर्गुमेंट की रेंज आपको बताई गई थी -180 से +180 के बीच में होती है, और 240 डिग्री उस रेंज से बाहर जा रहा है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, 240 डिग्री को उसकी रेंज के विद इन एंगल बनाने के लिए हम इसमें से 360 डिग्री को माइनस कर देते हैं। तो कभी भी आर्गुमेंट की वैल्यू उसकी रेंज से अगर बाहर जाती है, -180 से +180 के बीच में नहीं आती है, तो हम उसमें से 360 डिग्री को माइनस करके उसको उसकी रेंज के विद इन लाई करा सकते हैं, उसके अंदर ला सकते हैं। तो डैट्स वाई हमने आर्गुमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इसमें 360 डिग्री को माइनस किया, तो ये आ गया -120 डिग्री, तो आ जाएगा -2π/3। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड आर्गुमेंट जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो -2π/3 होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इसमें 360 डिग्री को माइनस किया क्यों, तो देखिएगा एक चीज़ आपको यहाँ पर हम ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो पहले डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने 240 डिग्री को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, 240 डिग्री को अगर दिखाया जाएगा तो करीब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का ही होगा। अब क्योंकि हम आर्गुमेंट में हम -180 से +180 के बीच में ही एंगल लेके चलते हैं, डैट मीन्स या तो हम उसका ऊपर वाला पोर्शन लेके चलेंगे एंगल में या नीचे वाला पोर्शन लेके चलेंगे हम, लेकिन दोनों को इसमें एक साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर नीचे से काउंट किया जाए, यानी कि अगर आपके फोर्थ क्वाड्रेंट से अगर लिया जाए, तो इस एंगल को क्या लिखा जाएगा, क्योंकि हमें 180 प्लस एंगल नहीं लिखना है, तो हम इसको नीचे से अगर काउंट करते हैं, नीचे से मेजर करते हैं, तो उसको क्या लिखा जाएगा। तो आपको अगर याद हो, आपको बताया गया था कि अगर कोई एंगल अगर नेगेटिव होता है तो उसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट से ड्रॉ करना शुरू करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट से अगर इस एंगल को देखा जाएगा तो ये एंगल आ जाएगा -120 डिग्री। -120 इसलिए होगा क्योंकि 360 डिग्री का वो कंप्लीट एंगल होता है, तो 360 में से अगर आप 240 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो एंगल बचेगा वो 120 डिग्री का ही बचेगा। अब क्योंकि वो हम फोर्थ क्वाड्रेंट से इसको काउंट करें तो डेट वाई ये होगा -120 डिग्री। तो इसलिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 240 डिग्री की है वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन -120 डिग्री की होगी, इसलिए हम 240 डिग्री को -120 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बताया कि ऐसा क्यों लिखा गया, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको बस आर्गुमेंट का एंगल सॉल्व करना है, और कभी भी आर्गुमेंट का एंगल जो है वो उसकी रेंज के बीच में नहीं आता है, -180 से +180 के बीच में नहीं आता है, आप उसमें 360 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो जो एंगल होगा वो उसके रेंज के विद इन लाई कर जाएगा, वही आपका रिक्वायर्ड आर्गुमेंट होगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इसमें पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये होते क्या है। तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज ऑफ द पोलर फॉर्म ऑफ आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कह रहे हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को अगर हम आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में मेंशन करते हैं, तो ये जो फॉर्म होती है आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहलाती है। तो आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहलाती है। इसमें आपको बता दें जो आर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होगा, जिसको हम मॉडुलस ऑफ जेड से फाइंड आउट कर सकते हैं,
और जो थीटा होगा वो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जिसको हम टेन इनवर्स बी अपॉन ए से, डैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है वो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होती है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपको दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और दूसरा उसका आर्गुमेंट, और ये दोनों चीज़ आपको सॉल्व करनी अब आती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ 1 माइनस आई, हमें 1 माइनस आई के पोलर फॉर्म को फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 1 माइनस आई, पहले हम इसकी मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं, दैट मीन्स आर को। तो इसमें आर इक्वल होगा मॉडुलस ऑफ जेड के, जिसको हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ए के प्लस में 1, बी के प्लस में माइनस 1 पुट करेंगे तो आर मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट 2। आर्गुमेंट के लिए टेन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए यूज़ करते हैं, बी के प्लेस में माइनस 1, ए के प्लेस में प्लस 1, तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस 1। अब क्योंकि यहाँ पर अब क्वाड्रेंट को पहले डिसाइड करते हैं, आर्गुमेंट के लिए पहले क्वाड्रेंट को चेक करना होता है, तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो ये क्वाड्रेंट होगा 4। तो थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल अगर आपको सॉल्व करना होता है तो हम इसको 360 माइनस अल्फा से सॉल्व करते हैं, अल्फा इसलिए क्योंकि थीटा इसमें ऑलरेडी मेंशन है। अब अल्फा के प्लेस पे क्योंकि 10 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है, तो अल्फा के प्लेस पे 45 पुट करेंगे तो थीटा जाएगा 360 माइनस 45, तो आ गया 315 डिग्री। लेकिन 315 डिग्री, जैसे आपको पीछे भी हमने एक एग्जांपल में मेंशन किया था, आर्गुमेंट की जो रेंज होती है वो माइनस 180 से प्लस 180 के बीच में होती है, और 315 डिग्री उसकी रेंज में लाई नहीं करता है, तो उसकी रेंज में उस एंगल को लाने के लिए हम इसमें से 360 डिग्री को माइनस कर देते हैं। डैट्स वाई रिक्वायर्ड आर्गुमेंट जो होगा वो 350 माइनस 360 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस के 45 डिग्री। इसको रेडियन में लिखेंगे तो आएगा माइनस के पाई अपॉन 4। ठीक है, अब हमारे पास आर्गुमेंट भी है, मॉडुलस भी है, तो पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर के प्लेस पे मॉडुलस पुट कर देंगे, जो कि हमने सॉल्व किया था रूट 2, थीटा के प्लेस पे थीटा के वैल्यू को सॉल्व करेंगे जो कि माइनस के पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 ब्रैकेट में कॉस माइनस के पाई बाय 4 प्लस आई साइन माइनस के पाई बाय 4, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होगी। आपको बता दें कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में आता ही आता है, तो आपको इसको ध्यान से समझना होगा, करना होगा। तो आई थिंक एक्सरसाइज जो हम करने वाले 5.2 उसमें आपके कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, आई होप इनको समझ कर आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको उनमें कोई डाउट आए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।